ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल के तहत दसवीं गांव में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को कृषि बीमा योजना, ऋण योजना, उन्नत कृषि तकनीकी एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं और उत्पादों को बेचने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ अपनी समस्याओं को भी साझा किया गया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसी कड़ी में इस किसान मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय को 50,000 करोड़ के बजट का प्रावधान करना, देश में 42 बड़े मेगा फूड पार्क बनाने की शुरुआत की गई है तथा 1,00,000 करोड़ रुपए का खाद्य पदार्थ हर वर्ष खराब हो जाता था, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने की शुरुआत की गई है। किसान को मंडी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़कर उसके मूल्य ज्यादा मिलने में सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के इन कदमों से किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। देश में 22,000 ग्रामीण हॉट्स को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएं मिल सके और किसानों को कृषि उत्पादन के बेहतर दाम मिल सके। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र तथा राज्य की सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है तथा कृषि में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। किसानों को जमीन की उर्वरक क्षमता के आधार पर ही फसल या सब्जी तैयार करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत उपदान कर खेतों में कटीली तारे लगाने का प्रावधान भी किया गया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि में नई तकनीक को अपनाते हुए कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है तथा इसके लिए सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। किसानों को सब्सिडी पर खेती बाड़ी के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी आरंभ की गई है। किसानों को इन योजनाओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए, तभी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। आज कृषि के क्षेत्र को लेकर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन जिला हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में किया गया। सैकड़ों किसानों ने इसमें भाग लिया और मोदी सरकार ने किस तरह से किसानों को लागत प्लस 50% समर्थन मूल्य देने की बात कही और अपना वायदा पूरा किया और अब 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम 2022 से बहुत पहले इसको पूरा कर लेंगे। 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान कृषि कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किया गया है और अगर आप देखें तो इस देश में 42 बड़े मेगा फूड पार्क उसको बनाने के लिए शुरुआत की गई है। मोदी सरकार प्रयास करे कि 1,00,000 करोड़ का जो अनाज बर्बाद होता है कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण, उसको भविष्य में कैसे बचाएं, किसान को मंडी से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़कर उसकी आमदन कैसे बढ़ाएं, उसको मूल्य ज़्यादा कैसे मिले और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना ताकि दूध क्रांति और नीली क्रांति इन दोनों के माध्यम से किसानों को और खुशहाल बनाया जा सके। इस अवसर पर एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर विनोद शर्मा, पीएनवीसी मनीषा, पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुशील, कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर अंजना ठाकुर, बागवानी विभाग से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रूपलाल दिमान ने भी किसानों को अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी दी। नदौन में ही पूरे भारत वर्ष में 2 मई को किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला का मेन जो विषय था और मेन जो मिशन था वो था कि फार्मर की 2022 तक इनकम को डबल कैसे किया जाए। इसके बारे में फार्मर से, जो किसान समुदाय से जो जुड़े लोग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी विभाग, ये सभी ने आपस में बैठ के मंथन किया और उसको अपने विभागों की जो जितनी भी स्कीमें हैं
जो इस आय को बढ़ाने के लिए सहायक हो सकते हैं उनके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी। और मेन विषय यही था कि 2022 तक फार्मर की इनकम को दोगुना कैसे किया जाए।